और जो गोटिया जो हाँ वही तो गोटे, अभी मैंने तुझे को खुजाया था तो गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन। नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट संजय मोरे स्वागत करता हूं आपका द गुड क्वेश्चन के तीसरे एपिसोड में। तो दोस्तों, हमने दूसरा एपिसोड जो रिलीज किया था वो नेपोटिज्म के ऊपर था। उसके ऊपर हमें बहुत कमेंट आए, बहुत मतलब जीरो कमेंट आए इस बार। तो पिछली बार 3 कमेंट तो थे, इस बार 0 कमेंट आए। तो हमने ही खुद से सोचा कि अभी जो क्रिकेट का माहौल चल रहा है उसके ऊपर कुछ बात की जाए। तो इस बार हम लोग बात करने वाले हैं क्रिकेट के ऊपर। तो यहाँ पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज भी प्रेजेंट है एक नहीं दो नहीं तीन तीन एक्सपर्ट। तो मैं बुलाना चाहता हूं सबसे पहले जिन्होंने 2003 का वर्ल्ड कप, 2007 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, 2015 का वर्ल्ड कप और 2019 का वर्ल्ड कप, नहीं 19 का हुआ नहीं है, 2015 तक के वर्ल्ड कप जो है वो लाइव देखे है खुद के टीवी पे। इतना ही नहीं, वो अपने मोहल्ले के इतने एक्सपर्ट है, इतने एक्सपर्ट है कि वो सीमेंट के पिच का भी पिच रिपोर्ट दे देते हैं। मैं बुलाना चाहता हूं ऐसे ही एक क्रिकेट विश्लेषक रोहित जी को। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार भाई। हमारे शो को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि गरीबों का शो है, चार गरीब लोग मिलके बैठ के बातें कर रहे हैं, गंदी शक्ल वाले। तो ऐसे लोगों के लिए आज हमने बुलाया है क्रिकेट का फैन डायरेक्टली फ्रॉम USA। तो मैं बुलाना चाहता हूँ निखिल जी को। निखिल जी स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैं निखिल जी आपको बताना चाहता हूँ कि और हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, जो सेंट्रल लाइन के व्यूअर है जो बदलापुर से आगे नहीं गए, जो वेस्टर्न लाइन के व्यूअर है जो बोरीवली से आगे नहीं गए, और जो हार्बर लाइन के व्यूअर है जो बेलापुर से आगे नहीं गए, उन सबको एक बार अमेरिका दिखता कैसा है वो एक बार आप दिखाई दीजिए। कैमरा जरा घुमाइए तो दोस्तों ऐसा दिखता है अमेरिका। थैंक यू निखिल जी, हमारे व्यूअर्स को अमेरिका दिखाने के लिए बालकनी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बुलाते हैं ऐसे क्रिकेटर को, ऐसे क्रिकेटर को जिसने पनवेल से लेके बेलापुर के हर एक गली में क्रिकेट खेला है, ऐसे वेरी फेमस गली क्रिकेटर प्रफुल्ल अजगेकर जी को। तेंदुलकर बनने का कैप नहीं बनने का, समझा ना? चल बैटिंग कर। स्वागत है प्रफुल्ल जी। अरे ये प्रफुल्ल प्रफुल्ल क्या लगा रखा है सब? पनवेल में मेरा नाम अलग है, पता नहीं क्या तुमको? गोटिया। गोटिया कौन? अच्छा अरे मेरा नाम गोटिया है, इधर पनवेल में आके पूछ लो, गली गली में मेरा क्रिकेट फेमस है और मैं फेमस अच्छा 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 गोटिया भाई, गोटिया भाई, सॉरी सॉरी, प्रफुल्ल उर्फ हूँ। गोटिया। नमस्ते गोटिया। अभी हम लोग बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। तो अभी आपने देखा होगा कि विराट जी ने पोस्ट किया है कि दे आर गोइंग टू बिकम थ्री एंड ऑल। तो मैं अभी जैसा माहौल चल रहा है और हम सब लोग जानते हैं विराट जो है वो बेस्ट चेसर इन द वर्ल्ड है, और अभी उन्होंने प्रूव कर ही दिया है, हार्दिक पांड्या ने जो टारगेट दिया है वो उन्होंने सक्सेसफुली चेस कर ही दिया है ऑलमोस्ट। तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ प्रफुल्ल जी से। प्रफुल्ल जी आपका क्या कहना है? देखो, जो उनका पर्सनल लाइफ में जो रोल है ना, वही क्रिकेट लाइफ में भी वही उनका था। जैसे कि हार्दिक पांड्या, भले उनकी इनिंग लेट चालू हुई हो लेकिन कैसा है, बैटिंग तगड़ी करते, शॉट जबरदस्त लगाते हो। वहां पे विराट कोहली जो है उनका एवरेज देख लिया, ठीक है। सो एक जन एवरेज के लिए फेमस है और एक जन फिनिश के लिए फेमस है। बराबर है, लेकिन अगर हमने देखा होगा तो जो अपने हार्दिक पांड्या है वो बहुत अच्छे शॉट लगाते हैं। क्या बात कर रहे हैं, अभी लिंक तो भेज। अरे अरे वो लिंक वाले नहीं शॉट रहे भाई, अरे क्रिकेट के शॉट। अभी हमने देखा ना वो कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है, उनका स्ट्राइक रेट कितना अच्छा है आईपीएल में, बिल्कुल उसके बिल्कुल बारे में बात कर रहा था मैं। हाँ मतलब और जो इनका स्ट्राइक रेट और इसकी जो बात चल रही थी एवरेज की, उसके बारे में रोहित जी आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री तो नहीं कह सकता पर प्राइम मिनिस्टर ने जो कमेंट दिया था घर पे रहे लॉकडाउन में, तो आप देख सकते हैं विराट कोहली होम कंडीशन में भी बेहतर खेल लेते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब वो होम कंडीशन ही नहीं एयर कंडीशन में भी बहुत अच्छा खेलते हैं, ये हमें पता चल ही गया है। निखिल जी आपका क्या कहना है इसके ऊपर?
मेरा कहना है कि काफी प्रोडक्टिव हो रहे हैं हमारे क्रिकेटर, और बेसिकली जब हार्दिक पांड्या ने अपनी ऑलराउंड एबिलिटी का यहाँ पे मतलब प्रदर्शन किया, तो विराट कोहली को भी लगा होगा कि मेरे को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट यहाँ पे करना चाहिए। ऑल्दो फोटो में वो बैक में है, बट काफी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हुआ है और काफी पॉलका डॉट के साथ डॉट्स कनेक्ट किए हैं विराट कोहली ने लगता है लॉकडाउन में। राइट राइट, थैंक यू निखिल जी। और हमारे जो एक बाबा है जोफ्रा आर्चर बाबा, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 5 जनवरी को होगा, तो प्रफुल्ल जी आपका क्या कहना है इसके बारे में, जोफ्रा आर्चर जी के पोपट के बारे में? जोफ्रा आर्चर के पास पोपट काला है क्या? देखिए, ये पोपट के कलर के बारे में आप कमेंट ना करें तो ही ठीक होगा। ये हमारा शो है, वो यूएस की ऑडियंस भी देख रही है, निखिल बैठे हैं वहां पे, ब्लैक लाइव्स मैटर हैशटैग। अरे पागल हो गए क्या? मतलब सच में काला पोपट होता है, वो सीशेल पैरेट है, जाके सर्च कर लो साले अड़ानी लोग। अब गोटिया के साथ पोपट ही जा रहा था तो पोपट। और गोटिया से मुझे याद आया है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट में जो घटना हुई है, हालांकि सरफराज जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है, तीनों फॉर्मेट में उन्होंने यॉन करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो उसके बारे में प्रफुल्ल जी आप क्या कहेंगे? देखो, उनके यॉन संबंध से हमें क्या करना है? यॉन संबंध नहीं, संबंध नहीं, फैमिली शो है, यॉन यॉन ये वाले। I'm sorry, context के बारे थोड़ा सा मतलब यहाँ वहां निकल जाता हूँ थोड़ा सा, समझ सकते हैं, आपका नाम गोटिया है हम समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए, वो कोई ऐसे साधारण चीज, देखो क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लगता है, ठीक है, तो कभी कभी लंग्स जो है वो मतलब इतने साथ नहीं देते, तो फेफड़ों से गुर्दों से मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से उनको हवा खींचनी पड़ती है, तो बस उसी के लिए उन्होंने मुंह ज्यादा खोल लिया होगा। बराबर है, बराबर है। अच्छा है कि वो हवा ले ही रहे, हवा छोड़ नहीं रहे। तो मैं जाना चाहता हूँ रोहित जी के पास, एज अ विश्लेषक आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मैं ये सोचता हूँ कि उनका कसरत तो नहीं पर वर्कआउट कह सकते हैं, वो अपने जॉज की वर्कआउट कर रहे थे यॉन करते हुए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं, मेरे जॉ में दर्द हो रहा है। वर्कआउट हो रहा है, हाँ वो दर्द ही वर्कआउट का एक पार्ट है, नो पेन नो गेन जो कहते हैं, कि पेन तो नहीं लेकिन दर्द जरूर कह सकते हैं। बस बस कीजिए, आपकी बातें सुन के मेरे कानों में दर्द हो रहा है। लेकिन फवाद आलम जो है, फवाद आलम ने 10 साल के बाद कमबैक किया है और उनका स्टांस तो क्या गजब, मतलब गजब। तो निखिल जी, एज अ क्रिकेट फैन, आपका उनके स्टांस के बारे में या उनके कमबैक 10 साल के बाद जो कमबैक किया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका स्टांस तो पता नहीं, बट उनका स्टांस मेरे से ज्यादा करण जौहर को पता है। बट जहां तक कमबैक की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी 10 साल में आईपीएल में कमबैक नहीं कर पा रहे, पर इन्होंने कमबैक कर लिया, ये अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं पाकिस्तान के होने के बाद। ये बहुत ही बढ़िया चीज बोली है निखिल जी ने, क्योंकि इंडिया में 10 साल के बाद कमबैक करना नामुमकिन हो जाता है, मतलब लोग ऑलमोस्ट कमेंटेटर से जाके कोच बन जाते हैं। तो अच्छा, वो आपने बात छेड़ दी यहाँ पे आईपीएल की, तो आईपीएल के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, आईपीएल जो अभी आ रहा है, तो प्रफुल्ल जी आपको क्या लगता है इस साल का आईपीएल कौन जीतेगा? अरे मैं तो बोल रहा हूँ, वो चेन्नई के लोगों को कोविड हो गया, उसकी जगह हमारे पीएमबी के बॉयज को डाल दो, हम लोग जीत के आ जाएंगे। तो आपसे तो मतलब बात करना बेकार है, अभी हम फैन से पूछ लेते हैं। निखिल जी है, निखिल जी एज अ फैन, आईपीएल के फैन, क्रिकेट के फैन, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस साल का आईपीएल? वैसे कौन जीतेगा ये तो पता नहीं, बट कौन नहीं जीतेगा वो इस बार भी लग रहा है। बैंगलोर हमेशा की तरह ओनर भाग गया है, ये भी जीत से भागते आए हैं 10 साल तक, तो मुझे लगता है कि इस बार अगर 7ों टीम को कोविड अगर नहीं हुआ तो इस बार भी बैंगलोर नहीं जीतेगा। ये बहुत ही अच्छी बात कही है, अभी हमें देखना पड़ेगा कि 5 जनवरी की ट्रॉफी तो कन्फर्म है, लेकिन नवम्बर वाली ट्रॉफी आती है कि नहीं उसके लिए हमें देखना ही पड़ेगा आईपीएल। तो मैं रोहित जी एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है, कौन जीत सकता है?
देखिए मुझे लगता है मैं निखिल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बैंगलोर की चांसेस बहुत कम है, लेकिन गुजरात के जो चांसेस हैं वो ग्रेट तो नहीं लेकिन काफी बढ़िया कह सकते हैं। गुजरात लायंस जीतने के चांसेस रखते हैं अबे येड़े ग्रेट और गुड से दोनों सेम ही बात कर रहे हैं कब से। देखिए आप मुझे टोके नहीं वरना मेरा लहजा तो नहीं पर रिदम बिगड़ सकता है बात करने का। तो मैं कह रहा था कि जो पुणे राइजिंग सुपर जायंट्स है उनकी यार दोनों एडिटर ये इसका ट्रांसफर आवाज ही बंद मुझे कर दे, आवाज बंद बता कर नहीं दे, पा और इसका जो है ना वो सब फास्ट फॉरवर्ड में भगा दे। तो टू ऑल दी व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इस एपिसोड के स्पॉन्सर थे द माफिया ओरिजिनल्स। तो आप उनके चैनल पे जाइए, माफिया का जो खेल है वो खेलिए, उनका FB पेज है, इंस्टा पेज है, यूट्यूब चैनल भी है, तो माफिया का खेल खेलिए, बहुत मजा आता है। और आपको चौथा एपिसोड है वो किस टॉपिक पे चाहिए वो हमें जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल 8 to 11 को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और IPL आ रहा है उसके मजे उठाइए। थैंक यू। Gracias.